हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं संजना जी और इन्होंने यूजीसी नेट क्रैक किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनसे कि क्या स्ट्रेटजी रही, इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया और किस तरीके से इन्होंने अपने इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो संजना जी अपने बारे में बताइए, देन बताइए किस तरीके से आपने इस एग्जाम को क्रैक किया है। हेलो सर, माय सेल्फ संजना कैचवाल और मैं दिल्ली से हूँ। सर, मैंने ये यूजीसी नेट सेकेंड टाइम क्वालिफाई किया है आपकी गाइडेंस के अंदर। और मेरा जो पढ़ने की स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि अपना रिवीजन मैंने बहुत ज़्यादा की है। अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करके रिवीजन एटलीस्ट 2 से 3 बार तो मैंने रिवीजन की है। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैंने मतलब टॉपिक नहीं, क्योंकि सबको पता है कि क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं नहीं, बट ये है कि टॉपिक से आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। और जो बिगिनर्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि उनको एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले अपना जो स्टडीज है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। और अगर एग्जाम से पहले हमें कम से कम 2 से 3 बार तो रिविजन करनी ही पड़ेगी तब जाके, बिकॉज जो है पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो हमें इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना और एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले तो हमें मतलब स्टडी स्टार्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और मेन बात जो आपकी वीडियो से मैंने जो ज्यादा डीप नॉलेज हमें मिलती है आपकी वीडियो से वो यही कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हो, और वो रियल लाइफ एग्जांपल्स मतलब इतने दिमाग में बैठ जाते हैं वो कि कॉन्सेप्ट फिर इंसान भूल ही नहीं पाता है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आपकी वीडियोस में। अरे थैंक यू सो मच संजना। और आपने जो प्रिपरेशन करी थी पेपर वन की, वो आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करी, जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग से पढ़ने पे क्या होता है, सिलेबस टाइम से फिनिश हो जाता है, फिर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हो, टेस्ट मॉक टेस्ट के थ्रू हो गया या फिर PYQs हो गया उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाते हो। तो इस तरीके से यस सर, आपने एक प्रिपेयर करी, प्रिपरेशन करी है। ओके, तो आप ये बताओ यस डेली सर। बेसिस अगर पे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक बिगिनर को कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे? हम बिगिनर हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो स्टडीज को देना ही पड़ेगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। मतलब 6 से 8 घंटे तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ कि देने ही पड़ेंगे स्टडीज के लिए, एक बिकॉज बिगिनर हम को। बिगिनर हैं और समझ में। हाँ जी हाँ जी, बिगिनर हैं और हमें टाइम भी ज्यादा लगता है कॉन्सेप्ट्स को समझने में, तो हमें 6 से 8 घंटे तो कम से कम देने ही चाहिए। और अगर हमें बिल्कुल सीरियसली यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो बिल्कुल ही हमें 5 से 6 महीने ऐसे देने हैं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई को देना है, ताकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी आपका क्या प्लान है, अभी क्या क्या करोगे, PhD के लिए ट्राई करोगे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करोगे आप? सर अभी तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, PhD के लिए करेंगे बाद में ट्राई, बट अभी तो मेरा मेन फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ओके तो ओके उसी में ट्राई करूंगी मैं। ठीक है संजना, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी ट्राई करिए आप और प्राइवेट में भी ट्राई करिए, जहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पर ट्राई करिए। और फिर देन उसके बाद जो उसके बाद 1 ईयर 2 ईयर करने के बाद अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है देन आप उसको वहाँ पर स्विच कर सकते हो, है ना? तो ओके ये सर, चीज़ है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच संजना, आपसे बात करके अच्छा लगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा आपकी बातों से और मोटिवेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच संजना फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच। ओके।